फैमिली में दोस्तों, ये हमारे सामने एक हैंगिंग स्केल है जिसकी कैपेसिटी 5000 kg थी। तो इसमें जो इसका ओरिजिनल यानी डिस्प्ले था, लेकिन वो डिस्प्ले का खराब हो गया था। तो अभी हमने जो है ये डिस्प्ले के अंदर आम जो इंडिकेटर है वो लगाया है। तो ये डुलेक्स का इंडिकेटर है, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और कैलिब्रेशन, खाली कैलिब्रेशन इसकी रह गई है। तो अभी जो है हम इसकी कैलिब्रेशन करते हैं। उस्मान आओ, कैलिब्रेशन करो। जैसे ही ऑन करेंगे उसके बाद हमने एंटर का बटन को दबा के हमने ऑन करना है। तो हमारे ये सामने D1 आ गया है, D1 इसकी डिवीजन है। एयर के बटन से हमने आगे जाना है। ये पी इसके पी पॉइंट्स हैं, इसके एक पॉइंट इसके हमने 0.0 रखा है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी आ जाएगी मेन्यू की मदद से। आपने आगे जाके मेन्यू की मदद से ही कैपेसिटी लिखनी है इसकी। 5 टन इसकी कैपेसिटी लिख दी है। टेयर की मदद से आपने आगे जाई जाना है, ठीक है। ये कॉल 0.0 आ गया है, इसमें आपने मेन्यू का बटन दबाना है एक दफ़ा, फिर टेयर का बटन दबाना है, तो 0.0 आ जाएगा। यहाँ पे आपने वेट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 20 kg। ये हमारे पास 20 kg का डेड वेट है। ये हमने 20 kg का डेड वेट टांग दिया उसके साथ। उसके बाद थोड़ी देर वेट करके टेयर के मदद से हमने आगे चल जाना है। और ये कैपेसिटी कैलिब्रेशन इसकी क्लियर हो गई है, ये देखें।